हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ और साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में बताया था जो बाय हैंसन्स दिए गए थे, है ना। तो अब हैंसन्स ने क्या किया था कि जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज को है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। पहला था प्राइमरी सोर्सेस, है ना। तो अब प्राइमरी सोर्सेस को मैं समझाऊंगी विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, और सेकंड कैटेगरी क्या थी, सेकेंडरी सोर्सेस, उसको भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सोर्सेस। तो प्राइमरी सोर्सेस का जो अंदर जो एग्जांपल है वो है सोर्स डेटाबेसेस। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सोर्स डेटाबेसेस, है ना। तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगी, सो एकदम फुल फ्लैश वीडियो मैं बनाऊंगी, है ना। और सेकंड कैटेगरी जो है हमारा सेकेंडरी सोर्सेस, उसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस। तो इसको भी मैं पूरा, इस पर भी पूरा फुल फ्लैश वीडियो बनाऊंगी और आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगी, ठीक है। मगर इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो जो है इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिस हैं, ठीक है। तो उसको समझाना ज़रूरी है पूरा, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो इनके इन दो कैटेगरी के जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है उन पर फुल फ्लैश बना दूंगी। तो हम मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। पहले जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेटा क्या होता है, DATA, डेटा, ठीक है। डेटा जो है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर होता है, ठीक है। डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर, ठीक है। अब इसी का ही अगर ये पहला मैंने आपको बता दिया डेटा का, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड कॉन्सेप्ट लूँ तो वो है हमारा डेटाबेसिस। अब डेटाबेसिस क्या होता है, डेटाबेसिस जो है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, जो भी रिलेटेड डेटा होते हैं उनका कलेक्शन, उसको हम कहते हैं डेटाबेसिस, ठीक है। अब इसी में ही मैं एक कॉन्सेप्ट और लूँगी, तीसरा कॉन्सेप्ट, वो है डेटाबेसिस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेसिस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेसिस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या कहते हैं यूज्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं डेटा को मैनेज कर, डेटाबेसिस को मैनेज करने के लिए, जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटाबेसिस को मैनेज करते हैं वो कहलाते हैं डेटाबेसिस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेसिस, सॉरी, मैं ये कॉन्सेप्ट एक बार और आपको अच्छे से समझाना चाहूँगी। देखिए, डेटाबेसिस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये DBMS डेटाबेसिस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये क्या होता है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो मैनेज करते हैं डेटाबेसिस को, है ना, इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो डेटाबेसिस को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट इसमें बताए, पहला डेटा, ठीक है, दूसरा डेटाबेसिस, और तीसरा है DBMS डेटाबेसिस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा मिस्टेक जो है DBMS में हो गया था, तो वो मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ आपको। इसको हम, इसका फुल फॉर्म है डेटाबेसिस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है मैनेज करने के लिए डेटाबेसिस को, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है डेटा बेसिस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे।